आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर पेश करते हैं नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फेयर 12th एडिशन मीट एट आगरा लेदर फुटवियर कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी फेयर 26 से 28 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना विलेज NH2 आगरा पर लगाया जाएगा। फेयर का उद्घाटन 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगा। सभी जूता और लेदर व्यापारियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर फेयर का लाभ उठाएं। फेयर में प्रवेश के लिए बिजनेस कार्ड लाना जरूरी है। आपको बता दें कि इस बार हरि पर्वत और वाटर वर्क से विजिटर को बस की सेवा भी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9555250403। फतेहाबाद कस्बे में गुनगुन गारमेंट्स की भव्य शुरुआत हुई। गारमेंट्स के उद्घाटन में पहुंचे सपा नेता महाराज सिंह धनगर, ब्लॉक प्रमुख फतेहाबाद राकेश धनगर और JP धनगर ने संयुक्त रूप से पहुंचकर फतेहाबाद निवासी पहुप सिंह धनगर के नए प्रतिष्ठान की संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उद्घाटनकर्ताओं ने गारमेंट्स के संचालक पहप सिंह धनगर को उनके प्रतिष्ठान गुनगुन गारमेंट्स के लिए शुभकामनाएं दी। हम पॉप सिंह धनगर साहब को बधाई देते हैं कि उन्होंने गुनगुन जो गारमेंट खोला है वो बहुत अच्छा खोला है। मैंने अभी फीता काटने के बाद भी चेक किया है तो बहुत अच्छा खोला है। जो लोग आगरा जाते थे वो आज यहीं से यहीं खरीदेंगे तो यहाँ के जो लोकल हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि उसी रेट पर जब यहाँ मिलेगा तो बहुत अच्छा लाभ। तो ये हमारे समाज में एक प्रक्रिया जो चल रही है दुकानों की भी, और हर मार्केट में हम अब आ रहे हैं, तो ये तो समाज के लिए शुभ संकेत है और बहुत अच्छा संकेत जा रहा है। तो मैं तो बधाई दूंगा पॉप सिंह धनगर जी को, उन्होंने खोला और हम उन्हें आशीर्वाद बधाई सब देते हैं। मैं गुनगुन गारमेंट जो फतेहाबाद में खोला है, मैं समाज के ऐसे लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि जो हमारा समाज पिछड़ा अति पिछड़ा समाज था, अब कहीं ना कहीं लोगों में व्यापार करने की एक क्षमता पैदा हो रही है। और इसी हिसाब से अगर समाज के बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग अगर अपने काम करें तो मैं जानता हूँ कि समाज को जल्दी ऊपर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुविधाएं जो मिलेंगी, कहीं शहर में जाना पड़ता था। हाँ, जैसे कि यहाँ से कुछ लोग जो भी बढ़िया कपड़ा जो खरीदते हैं तो वो सब आगरा ही भागते हैं, क्योंकि आगरा बड़ा शहर है। मगर इन लोगों ने यह इतना बढ़िया शोरूम खोला है कि वह आगरा से भी बढ़िया सुविधा फतेहाबाद में देंगे, तो मैं जानता हूं कि यहां के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। मैं धन्यवाद देता हूं सभी आयोजकों को, और जहां समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, सब लोगों को धन्यवाद। आज फतेहाबाद में गुनगुन गारमेंट के मालिक श्री पॉप सिंह जी के यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता महाराज सिंह धनगर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष धनगर महासभा JP धनगर जी और क्षेत्र के सभी सम्मानित यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। पॉप सिंह जी ने गुनगुन गारमेंट फतेहाबाद में खोला है, बहुत ही उन्हें बधाई। लोगों को जो शहर में जाना पड़ता है आगरा में, वो सुविधाएं फतेहाबाद में मिलेंगी। नए दौर में नए कपड़ों का फैशन का दौर है और लोगों को यहाँ पर सुविधाएँ मिलेंगी, अपनों के बीच में खरीदेंगे। हमें पूरा आशीर्वाद है और पूरा सहयोग कि क्षेत्र के लोग इसको चलाने में पूरा भूमिका निभाए। जो गुनगुन गारमेंट जो खुला है फतेहाबाद के अंदर, तो मेरा उनके मालिक हैं पॉप सिंह बघेल जी, उनको आशीर्वाद है। ये हमारे जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है फतेहाबाद, लोगों को आने जाने की कपड़ा लेने या आगरा जाना पड़ता था, यहाँ खुल गया है, और समाज की तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो समाज के लोग हैं और ऐसे व्यापारों में आएंगे तो हाँ, मेरा मानना है कि हमारे समाज के लोग जैसे निषाद है, कुशबा है, बघेल है, ज़्यादातर लोग जिला लेवल पर कपड़ा लेने जाते थे, तो मेरा उनसे समाज के लोगों से अनुरोध है कि यहाँ जो आगरा जैसी सुविधा फतेहाबाद मिल रही है और यहाँ के लोगों को बेहतर सामान मिलेगा और खुश। आपको बता दें कि गुनगुन गारमेंट्स के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे धनगर समाज के अन्य युवाओं, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों ने भी गारमेंट्स के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पहले तो गुनगुन गारमेंट के जो MD हैं उनको, पॉप सिंह बघेल जी, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, एवं इसका उद्घाटन आज माँ भगवती के दिन चल रहे हैं, आज के इनका उद्घाटन हुआ है, और हम माँ भगवती से ऐसी कामना करते हैं कि इस प्रतिष्ठान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें,
और फतेहाबाद के लोगों के लिए एक अच्छा कलेक्शन दें, जिससे कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, उनको बाहर जाना हो, सारी वैरायटी न्यू जो भी वैरायटी है वो सारी यहीं अवेलेबल है। मेरा नाम त्रिलोकनाथ बघेल। किस तरीके से गुनगुन गारमेंट्स को बधाई दे रहे हैं? गुनगुन गारमेंट को बधाई हो, बहुत बधाई। यहाँ पे देहात क्षेत्र है, यहाँ से लोग आगरा के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। यहाँ सही कोई शोरूम नहीं है, शोरूम के नाम से बाहर जाते हैं। यहाँ पे शोरूम खोल दिया गया है तो जो है अच्छे रेटों पे सही है। लोगों को आगरा नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से खरीदने में सुविधा मिलेगी। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ आने के? जी चाहेंगे कि मतलब अच्छी रेट पे दाम से आगरा जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो यहीं सही रेट में दिल्ली का माल, आगरा जहाँ बारवारी कंपनियों का अच्छे रेट में माल दिया जाएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी सरवारा समाज उत्थान सेवा समिति के हमारे गुनगुन घर वाले इसके जिले के पदाधिकारी हैं ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे समाज में से किसी ने ये जो मैंने देखा है ब्लॉक प्रमुख के साथ में रह करके गांव-गांव गया मैं, तो उन्होंने देखा था हमने कि वास्तव में ही पिछड़ा हुआ और एक मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको वहाँ नहीं पहुँच पाते आगरा, तो उनके लिए ये व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया बनाई है। और समाज के ही नहीं, हमारे साथ में तो ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक के लोग हैं, उनसे सबसे इनके संबंध है और वो लोग आएंगे और हमको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। धनगर मुकेश चंद्रा, मैं बड़े भाई साहब पॉप सिंह धनगर जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ, और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगरवासियों को, सामाजिक लोगों को जो है आमंत्रित करूँगा कि एक बार वो यहाँ से अपने लिए कपड़े ज़रूर खरीदें, और वो बहुत बढ़िया ब्रांडेड और सस्ते कपड़े उपलब्ध कराने का हमने आश्वासन दिया उन्होंने, तो वो मैं तहे दिल से बार बार पुनः जो है शुभकामनाएं देता हूँ। स्थानीय लोगों की माने तो अच्छे और ब्रांडेड वस्त्र खरीदने के लिए उन्हें शहर आगरा की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन गुनगुन गारमेंट्स के खुलने से फतेहाबाद कस्बे के लोग अच्छे कपड़े का कलेक्शन यहां से प्राप्त कर सकते हैं। गुनगुन गारमेंट्स के संचालक पहुप सिंह धनगर की माने तो अच्छे वस्त्र और सस्ते दामों में बेहतर क्वालिटी का कलेक्शन गुनगुन गारमेंट्स से लोग खरीद सकते हैं। ये गुनगुन गारमेंट्स वकील साहब ने बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया जगह पर खोला है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल है उसके हिसाब से इन लोगों को जो कलेक्शन है तो बढ़िया चीज़ जो मिलना चाहेगी, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो मेन चीज़ आदमी चाहता है वैरायटी चाहता है, ब्रांड चाहता है, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है बढ़िया चीज़ खरीदना, लेकिन वही चीज़ उनको अगर उनके क्षेत्र में मिले तो मच बेटर। और दें तो ये हार्दिक शुभकामना देंगे, बढ़िया तरीके से इनका वो चल रहा है प्रतिष्ठान। मैं डॉक्टर मुकेश बघेल, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं गुनगुन गारमेंट्स के मालिक मिस्टर पॉप सिंह बघेल को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने फतेहाबाद में अपना ये गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, तो जिससे कि उच्च क्वालिटी के गारमेंट्स जो भी हैं बच्चों के, बड़ों के, महिलाओं के, बच्चियों के, सबके लिए फतेहाबाद में ही उपलब्ध होंगे, इसके लिए आगरा भागना ना पड़ेगा। ये पॉप सिंह का बहुत अच्छा काम है, हम चाहेंगे कि वो दिन रात ऐसे ही उन्नति करते रहे। हमने फतेहाबाद के लिए आगरा न जाने के लिए यहाँ पर रेडीमेड का बहुत अच्छा काम किया है, अगर दिल्ली से लुधियाने से बहुत अच्छा ऐसे काम, क्योंकि छोटा काम किया लेकिन इससे और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फतेहाबाद आगरा जाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उद्योग के मामले में। हाँ, यहाँ पे बहुत बहुत भागना पड़ता था आगरा के लिए, लेकिन हम सब बढ़िया ब्रांडेड जितनी भी है वैरायटी सब रखेंगे, जितनी भी है यदि आप हमारे फतेहाबाद के लोगों को आगरा नहीं जाना पड़ेगा और दिल्ली बाहर तक नहीं जाना पड़ेगा सब। हाँ, रेटों में हाँ बहुत बढ़िया डिस्काउंट देंगे रेटों में, वो कम से कम रेटों में देखा जाए कम से कम मार्जिन माल दिया जाएगा, तो जिन्हें आगरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बड़ी खुशी का दिन है, आज हमारे बघेल समाज में हमारे बड़े भाई पॉप सिंह बघेल जी ने गुनगुन गारमेंट का उद्घाटन करवाया है, और यहाँ पर हर तरह की वैरायटी के वस्त्रों का बड़ा अच्छा कलेक्शन है और सही रेट पर उपलब्ध है। मैं सभी जो लोग हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और एक बार कम से कम सेवा का मौका यहाँ अवश्य दें, और बहुत अच्छा कलेक्शन और सस्ते दामों पर कलेक्शन कराया गया है। फतेहाबाद में ऐसा पहली बार हो रहा है, इतने सस्ते रेट पर इस तरह की ब्रांडेड क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध हो रहे हैं। बहरहाल गुनगुन गारमेंट्स के खुलने से फतेहाबाद कस्बे के हजारों लाखों लोगों को बेहतर कपड़ों का कलेक्शन प्राप्त तो होगा ही, बल्कि शहर आकर लोगों के समय की बचत भी होगी। कार्यक्रम में हरी सिंह बेदरिया, राम गजकवाले, सुरेश चंद बघेल सरपंच, त्रिलोकीनाथ बघेल, जेपी धनगर, महाराज सिंह धनगर, राकेश धनगर, मुन्नालाल धनगर, नरेंद्र धनगर सहित सैकड़ों लोगों ने गुनगुन गारमेंट्स को शुभकामनाएं दी। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।